इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ नया अपडेट की बात करें तो उदयपुर में हो रहे चिंतन शिविर में कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर सिफारिशों पर मुहर लग गई है। इसके तहत अब अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कई बुजुर्ग नेताओं के टिकट कटने तय है। युवाओं को संगठन से लेकर चुनाव टिकट वितरण में प्रायोरिटी मिलेगी। ये बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से लागू होंगे। लोकसभा चुनाव में 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले चुनाव में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। युवाओं से जुड़े हुए समूह की इन सिफारिशों को लागू करने पर सभी ने सहमति जताई है। बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी है। कांग्रेस के संगठन में टॉप टू बॉटम हर स्तर पर 50% पद 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देने का प्रावधान होगा। चिंतन शिविर में मंथन के बाद तैयार किए उदयपुर डिक्लेरेशंस में इसे लागू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के युवाओं से जुड़े ग्रुप की सिफारिशों में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र तय करने का सुझाव दिया है। इसके अनुसार लोकसभा विधानसभा से लेकर सभी चुने हुए पदों पर रिटायरमेंट की एक उम्र तय होगी। बुजुर्ग नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बुजुर्ग नेताओं को पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम लेने की सिफारिश की गई है। यह प्रावधान लागू होते ही कांग्रेस में बुजुर्ग नेता टिकटों की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। एक परिवार से एक ही टिकट देने का प्रावधान लागू होगा, लेकिन अगर एक परिवार के किसी दूसरे नेता में संगठन में 5 साल काम किया है तो उसे टिकट नहीं मिल सकेगा। अगर किसी नेता का बेटा 5 साल से संगठन में एक्टिव है तो परिवार से दूसरा टिकट मिल सकेगा। यह प्रावधान लागू करने से गांधी परिवार के अलावा कई बड़े नेताओं के परिवार को 2 टिकट लेने की दिक्कत नहीं होगी। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।